Now, look in your notebook. Sorry, your SS3 book. Page number 51. This is number 9. Press it with your finger. Cow and standing line. Finger stamp as a cow banana with standing line. Okay? Count and say 9 trophies. Number bahut sare chocolates seen this. So let's count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Three trophies and 9 trophies. Now flip your page. यहाँ पर different different colors के stars दिए हुए हैं. Count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Next stars के 9 stars. नीचे देखो आपको 9. हर बार की तरह orange color के तरीके से करना है. यहाँ पर orange color दिया हुआ है. So let's test with orange color number 9. Cow and standing line. Cow, standing line. Cow, standing line. Okay? So, this color is you dress the line. Now, next phase, color only the 9 circles with number 9. Har baar jaise aap karte hain ki number 9 jisme likha hua hai usme aapko coloring karna hai. Okay, is baar aapko khud karna hai coloring. Number 9 mein kya aapko usme coloring karna hai. Okay, now turn your face. Count and color only 9 letters. Hum count kar lenge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 or 1, 2, 12. So total 12 carats आपको दिए हुए हैं, but आपको only कोई भी 9 carats में आपको खुद कलरी करना है. Okay, understand? Now next page match the stamp numbers. आपको numbers दिए हुए हैं of 5, 8, 9, 4 and 1. Next line में भी 9. 5, 1, 8 or 4. So let's next say number को हमें match करना है, okay? तो first number दिया हुआ है आपको number 5. तो सामने वाले line में कहाँ पर है number 5? First number तो यहाँ पर number 9 है, उसके बाद दिया हुआ है number 5. तो number 5 को हम दूसरे number 5 के साथ match करेंगे, okay? Then number 8. वो सामने वाली रो में कहाँ पर है number 8? 9 में उसके बाद 5, 1, 8. यहाँ पर नीचे है number 8 को हमें चाहिए number 8 के साथ. Okay? Then number 9 दिया हुआ है. तो पहला ही number 9 है. Number 9 को हमें चाहिए number 9 के साथ. Now number 4 दिया हुआ है. Number 4 को हम यहाँ पर number 4 दिया है उसके साथ मैच करेंगे. तो लास्ट बचा नंबर 1. नंबर 1 को हम वो सामने वाले रो में नंबर 1 के साथ मैच करेंगे. ओके, कंप्लीट. नाउ ऑन योर पेज काउंट एंड मैच. ये मैं आपको बुक्स में कर रही थी क्योंकि ड्राइंग करने में बहुत टाइम लगता है. सो फर्स्ट आपको पिक्चर फ्लावर्स के दी हुई है, काउंट करेंगे और सामने वाले लाइन में देखेंगे कि कौन सा नंबर सही है. ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. कितने फ्लावर्स दिए हुए हैं? 9 फ्लावर्स. तो सामने वाले रो में यहाँ पर नंबर 9 दिया है, उसके साथ हम उसको मैच करेंगे. ओके, देन बलून्स दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4. कितने बलून्स है? 4 बलून है. नंबर 4 यहाँ पर दिया है, उसके साथ हम उसको मैच करेंगे. Then arrows दिए हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. इतने arrows दिए हुए हैं आपको? 7 arrows. नंबर 7 के साथ हम उसको मैच करेंगे. Then ball दिए हुए 1, 2, 3, 4 and 5. इतने balls दिए हुए 5 balls. नंबर 5 के साथ हम सारे balls को मैच करेंगे. Okay? एक और बात कि आप जो counting करें तो आपको
three, four, five, six, seven, eight. कितने स्टार्स दिए हुए हैं? Eight. तो नंबर eight के साथ हम इसको मैच करेंगे, ओके? In next is count the object, color the circle with the correct number. यानी कि पहले हम काउंट करेंगे, उसके बाद जो सही नंबर है उसमें हम कलरिंग करेंगे, ओके? लाइट्स कलर यूज कर रहे हैं, ओके? लेट्स गो. फर्स्ट पिक्चर आपको दी हुई है आइसक्रीम की, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5. कितने आइसक्रीम है? 5. तो नंबर 5 वाले सर्कल में हम कलर करेंगे, ओके? बाजू वाले में नंबर 2 दिया हुआ है, तो आइसक्रीम 5 है इसलिए हमने 5 लिख दिया. नेक्स्ट 1, कितने सर्कल दिए हुए हैं आपको? ओनली 1. तो नंबर दिया हुआ है फर्स्ट सर्कल में 3, नहीं यहाँ पर 3 सम नहीं है, ओनली 1 है. नेक्स्ट सर्कल में 1 दिया हुआ है, तो हम 1 वाले सर्कल में कलरिंग करेंगे, ओके? ओके. नेक्स्ट बलून दिए हुए हैं, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9. कितने बलून्स दिए हुए हैं ब्रदर? 9 बलून्स दिए हुए हैं. तो फर्स्ट सर्कल में दिया हुआ है नंबर 9, तो हम इसमें कलरिंग करेंगे. नेक्स्ट सर्कल में नंबर 8 दिया हुआ है, तो ब्रदर नंबर 9 बलून्स है, इसलिए 9 वाले सर्कल में हमने कलरिंग करेंगे, ओके? देन गाइस दी हुई है 1 2 3 4. कितनी काइट्स दी हुई है? 4 काइट्स. को फर्स्ट सर्कल में दिया हुआ है नंबर 7, और हमें काइट्स दी हुई है 4. तो बाजू वाले सर्कल में 4 नंबर है, तो कलरिंग करेंगे हम 4 नंबर, ओके? लास्ट बलून्स दिए हुए हैं, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8. कितने बलून्स है? 8 बलून्स है, तो नंबर 8 पर हम कलरिंग करेंगे, ओके? तो कंप्लीट हो गया हमारा. लास्ट फेज आपको कलर द ट्रायंगल विद द सेम नंबर्स इन ईच रो. तो एक रो में जिसमें सेम नंबर है उसमें हमें कलरिंग करना है, ओके? लेट्स सी. फर्स्ट पर है नंबर 8, देन आपको दिया हुआ है नंबर 2, उसके बाद नंबर 8 और उसके बाद 3. तो दो बार रिपीट जो नंबर हुए है उसमें हमें कलरिंग करना है. तो कौन सा नंबर हुए दो बार रिपीट हुए? नंबर 8. यहाँ पर 2 टाइम दिया हुआ है, तो हम करेंगे कलरिंग नंबर 8 पर, ओके? 8 वाले दोनों ट्राइंगल्स में कलरिंग करना है. आपको जो पसंद है वो कलर आप यूज कर सकते हैं, बट लाइट कलर करना है, बहुत ही ज्यादा डार्क कलर यूज नहीं करना, ओके? देन फर्स्ट नंबर 7 3 6 7. तो कौन सा नंबर 2 टाइम है? नंबर 7 यहाँ पर 2 टाइम है, तो नंबर 7 पर हम कर रही नंबर 7 वाला जो ट्राइंगल है उसमें हम कर रही करेंगे, ओके? डन. नेक्स्ट लाइन 8 5 6 5. तो कौन सा नंबर दो बार है? नंबर 5 2 टाइम है, तो हम कलरिंग करेंगे 5 नंबर वाले ट्राइंगल का, ओके? नेक्स्ट लास्ट लाइन 9 4 9 1. तो नंबर 9 2 टाइम है, तो हम ट्राइंगल नंबर 9 वाले ट्राइंगल में दो बार कलरिंग करेंगे, ओके? तो आज हमने नंबर 9 कंप्लीट किया. हमारा SL3 का पूरा तीनों सब्जेक्ट का कोर्स हम आज कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट टाइम हम SL4 बुक स्टार्ट करने वाले हैं. और एक बार आज हमने नंबर 9 किया, तो नोटबुक में ऑब्वियसली आपको नंबर 9 लिखना है. मैंने आपको बताया नहीं है, बट आपको बच्ची तरह नंबर 9 राइट डाउन करना है. ट्रेसिंग डॉट्स एंड लास्ट में राइट, ओके? कर्व स्टैंडिंग लाइन, कर्व स्टैंडिंग लाइन, कर्व स्टैंडिंग लाइन 9, कर्व स्टैंडिंग लाइन 9, ओके? तो आपको ट्रेसिंग करना है, देन डॉट्स वाले लाइन बनाना है, और लास्ट में आपको राइट डाउन करना है, ओके? तो नंबर 9 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है. और हमारे ऐसे थ्री बुक का जो मैथ्स का सब्जेक्ट है वो TME इंग्लिश तीनों कंप्लीट हो चुके हैं. सो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे. टुडेस के होमवर्क इज
Thank you. Have a nice day.